विदेशों में मिले जुले रुख के बीच देश के तेल तिलन बाजारों में गुरुवार को सरसों तेल तिलन और सोयाबीन तिलन के भाव में सुधार आया, जबकि मांग प्रभावित होने से सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट। बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.68% की गिरावट रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल लगभग 0.5% की तेजी रही। सूत्रों ने कहा है कि देश में सोयाबीन तेल की जरूरत से कहीं अधिक मात्रा में आयात हो रखा है और इसी वजह से मांग कमजोर होने के कारण सोयाबीन तेल के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर मांग होने से सरसों तेल तिलन के भाव में सुधार आया। सूत्रों का कहना है कि सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलन, बिनौला, CPO और पामोलिन तेल सहित बाकी तेल तिलनों के भाव पूर्व स्तर पर बने। हल्के तेलों की मांग बढ़ने के बीच मूंगफली तेल तिलन के भाव में बीते दिन सुधार देखने को मिला था। हालांकि इससे पहले मूंगफली के दाम में काफी गिरावट आ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में मूंगफली के भाव में लगभग 30 रुपये प्रति किलो यानी 20% की गिरावट आई चुकी है। बाकी तेल तिलनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।